तो ये हमारे पास लेक्चर टेंथ है रेलवे इंजीनियरिंग का इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग दो क्लासिफिकेशन सिग्नलिंग की पेंडिंग थी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासफिकेशन ऑफ सिग्नल्स डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन करेक्टरिस्टिक्स दैन वी विल डिस्कस अबाउट सम स्पेशल सिग्नल्स तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन करेरेक्टरस्टिक्स सिग्नल्स आर फर्दर क्लासीफाइड इन फोर कैटेगरीज ओटर रेसिप्रेशनल सिग्नल्स होम रेसिड्रेशनल सिग्नल्स स्टार्टर सिग्नल्स एंड एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स एंड स्पेशल सिग्नल्स आर आल्सो फर्दर क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज रूटिंग सिग्नल्स कॉलिंग ऑन सिग्नल पॉइंट इंडिकेटर्स रिपीटर आर को एक्टिंग सिग्नल्स मॉडिफाइड लोअर क्वार्रेंट सिमोफोर सिग्नल्स एंड द लास्ट वन इज मिसना सिग्नल्स तो वन बाई वन हम यहाँ पर सबको डिस्कस करते हैं सो so फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है वोटर सिग्नल दिस इज द वॉर्नर सिगनल फर्स्ट सीन बाई द ड्राइवर सो फर्स्ट वार्नर सिग्नल जो ड्राइवर को दिखता है डैट इज नोन एज वोटर सिग्नल ट्रेन मूविंग एट हाई स्पीड रिक्वायर सर्टन डिस्टेंस फॉर स्टॉपिंग तो जो भी ट्रेन हाई स्पीड से मूव करती है तो जब रेलवे स्टेशन नज़दीक आ जाता है तो उनको अपनी स्पीड जो है रिड्यूस करनी पड़ती है टू टेक द एक्चुअल स्टॉप हैंस ड्राइवर इन्फॉर्म्ड अबाउट द पोजिशन इन एडवांस डैट प्लेटफॉर्म इज़ क्लियर आर नॉट सो विद द हेल्प ऑफ ओटर सिग्नल ड्राइवर को जो है एडवांस में ये इन्फॉमेशन uh, दी जाती है कि प्लेटफॉर्म क्लियर है या नहीं क्लियर है अगर क्लियर है तो वो उसी हिसाब से स्पीड ऑफ़ ट्रेन को एडजस्ट करे दिस सिग्नल गिव्स द पोजिशन ऑफ स्टॉप सिग्नल ई हैड ओटर सिग्नल की हेल्प से ड्राइवर को जो अगला स्टॉप होगा उसका सिग्नल मिल जाता है एज इट इज प्रोवाइड एट समे फ इट इज आल् कॉल्ड एज डिटेंट आर ओटर आर वार्नर सिगनल ओटर सिगनल जो है स्टेशन से कुछ दूरी में प्रोवाइड किया जाता है तो डेट्स वाई समाइम इट इज आल् टर्मड एज डिटेंट आर ओटर आर वर्नर सिगनल सो एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेन जो है मूव कर रही है टूवर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है तो यहाँ पर जो ओ एस रिप्रेजेंट कर रहा है दिस ओ एस रिप्रेजेंट हयर ओटर सिग्नल इस सिगनल से ट्रेन को यह सिग्नल मिल जाता है कि वेदर द प्लेटफॉर्म इज क्लियर आर नॉट इन हर्जेंटल आर स्टॉप पोजीश इट इंडिकेट्स डेट द ड्राइवर मस्ट ब्रिंग हिज ट्रेन टू हॉल्ट विद इन नाइनटी मीटर बिफोर ओटर सिग्नल एंड देन प्रोसीड टू द होम सिग्नल विद कोटेशन अगर हमारे पास जो ओटर सिग्नल होगा वो हर्जेंटल या स्टॉप पोजिशन में होगा उससे ड्राइवर को ये इंडिकेशन मिलती है कि ड्राइवर को ट्रेन को जो है एक हॉल्ट पोजीशन में लाना है नाइन्टी मीटर बिफोर ओटर सिग्नल फिर उसके बाद जो है आगे प्रोसीड करना है टू द होम सिग्नल बट विद कोटेशन द सिग्नल इज़ इन द इक्लाइंड आर प्रोसीड पोजिशन इट इंडिकेट्स डैट ट्रैक एंड प्लेटफॉर्म इज क्लियर एंड प्रोसीड नॉर्मली विदाउट एनी डेंजर इन्क्लाइन पोजिशन में सिग्नल मीन्स प्लेटफॉर्म क्लियर है और ड्राइवर जो है प्रोसीड कर सकता है विदाउट एनी डेंजर यने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया कि जब भी सिग्नल हर्जेंटल पोजिशन में होगा तो वो स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है और जब सिग्नल इन्क्लाइंट पोजिशन में होगा तो वो प्रोसीड को रिप्रेजेंट करता है तो सेम जो है वोटर सिग्नल के, के केस में भी सेम वैसे ही होता है नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट होम सिग्नल अब होम सिग्नल क्या होता है आफ्टर द ओटर सिग्नल टुअर्ड स्टेशन इज अ स्टॉप सिग्नल एंड एक्जैक्टली प्लेस्ड एट द स्टेशन लिमिट इज कॉल्ड होम आर स्टॉप सिग्नल ओटर सिग्नल के बाद जो नेक्स्ट सिग्नल ड्राइवर को मिलता है वो हमारे पास है होम सिग्नल जिसको हम स्टॉप सिग्नल भी कहते हैं इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द स्टेशन जब भी ट्रेन ने स्टेशन में एंटर होना होगा तो स्टेशन में एंटर होने से पहले ड्राइवर को एक वार्निंग मिल जाएगी कि वेदर द स्टेशन इज क्लियर आर नॉट वो हम होम सिग्नल की हेल्प से उसको देते हैं परमिशन टू एंटर द प्लेटफॉर्म इज गिवन बाई द ऑपरेशन ऑफ दिस सिग्नल तो प्लेटफॉर्म में एंटर होना वो होम सिग्नल की परमिशन से ही मिलता है सो द मैक्सम अन्रोटेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नल एंड द पॉइंट इट इज इंटेंटेड टू प्रोटेक्ट इट स्पेसिफाइड एज वन एटी मीटर ड्यू टू इट्स लोकेशन एट द डोर ऑफ स्टेशन इट इज़ कॉल्ड होम सिग्नल तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए पॉइंट और सिग्नल के बीच में वो कितना होना चाहिए 180 मीटर होना चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो डैट सिग्नल इज़ नॉन एज होम सिग्नल तो डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हो एच एस रिप्रेजेंट सेयर होम सिग्नल एंड ओ एच एस रिप्रेजेंट्स सेयर ओटर होम सिग्नल तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म में एंटर होने से पहले जो सिग्नल परमिशन देता वो है वो हमारे पास होम सिग्नल है सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टार्टर सिग्नल सो अभी तक पीछे हमने जितने भी टाइप्स ऑफ सिग्नल डिस्कस किए वार्नर सिग्नल हमने डिस्कस किया सिग्नल हो गया वोटर सिग्नल हो गया होम सिग्नल हो गया ये सारे सिग्नल्स तब यूज़ किए जाते हैं जब ट्रेन जो है स्टेशन में एंटर होती है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सिग्नल्स विच वी रिक्वायर्ड वन द ट्रेन लीव द स्टेशन कि जब ट्रेन स्टेशन को लीव करेगी उस वक्त कितने टाइप्स के सिग्नल्स हम यूज़ करते हैं ट्रेन को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए सो so उनमें से जो फर्स्ट टाइप आती है वो हमारे पास है स्टॉटर सिग्नल दिस सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट द फॉरवर्ड एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड कंट्रोल्स द मोमेंट ऑफ द ट्रेन एज द लीव द स्टेशन तो इस सिग्नल को हम फॉरवर्ड एंड पे प्रोवाइड करते हैं और जब ट्रेन स्टेशन को लीव करती है उस वक्त जो है उसको कंट्रोल करता है एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है इट गिव्स परमिशन टू द ट्रेन टू लीव द प्लेटफॉर्म फॉर नेक्स्ट स्टेशन तो ये एक परमिशन प्रोवाइड करता है ट्रेन को नेक्स्ट स्टेशन पे लीव करने से पहले नो ट्रेन कैन लीव द प्लेटफॉर्म अनलेस दिस सिग्नल इज़ लव कोई भी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को छोड़ नहीं सकती है जब तक ना ये सिग्नल जो है इसको परमिशन देगा डेट्स वाई इट इज कॉल्ड एज स्टार्टर सिग्नल तो तभी हम इसको स्टार्टर सिग्नल कहते हैं अ सेपरेट सिग्नल इज प्रोवाइडेड फॉर ईच लाइन तो स्टार्टर सिग्नल जो है हर लाइन के लिए सेपरेटली प्रोवाइड किया जाता है सो so, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे एडवांस स्टार्टर सिग्नल द लिमिट ऑफ अ स्टेशन सेक्शन लाइज बिटवीन द होम सिग्नल एंड द एडवांस स्टार्टर सिग्नल तो जो स्टेशन सेक्शन की लिमिट है वो किस किसके बीच में लाई करती है होम सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल द सिग्नल विच अलोज द ट्रेन टू एंटर इन ब्लॉक सेक्शन इज कॉल्ड एडवान्स स्टार्टर सिग्नल अब देखो ऊपर हमने डिस्कस किया स्टार्टर सिग्नल स्टार्टर सिग्नल का फंक्शन क्या है ट्रेन को परमिशन देना टू लेव द स्टेशन अब एडवान्स स्टार्टर सिग्नल का फंक्शन क्या है कि ट्रेन को अलो करना टू एंटर इन ब्लॉक सेक्शन इट इज़ ऑलवेज प्लेसड बियंड दोटरमोस्ट सेट अप द पॉइंट कनेक्शन इसको हम हमेशा ओटरमोस्ट पॉइंट पे सेट करते हैं दीज सिग्नल आर प्लेसड अबाउट वन हंड्रेड एटी मीटर बियॉन्ड द लास्ट पॉइंट आर स्विचेज तो इन सिग्नल्स को हम जनरली एट ए डिस्टेंस ऑफ वन व एटी मीटर बियॉन् द लास्ट पॉइंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेन स्टेशन है ओ एच एस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमने ऊपर पीछे डिस्कस कर लिया एच एस हो गया होम सिग्नल एस एस हो गया स्टार्टर सिग्नल एंड ए एस एस हो गया एडवांस स्टार्टर सिग्नल तो ओ एच एस और एच एस सिग्नल्स कब यूज़ किया जाता है जब ट्रेन स्टेशन में एंटर होती है और एस एस सिग्नल और ए एस एस को कब यूज़ किया जाता है जब ट्रेन स्टेशन को लीव करती है सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूटिंग सिग्नल्स वैन मनी ब्रांच लाइन्स डाइवर्ज इन डिफरेंट सेक्शन फ्राम द मेन लाइन दैन इट इज़ वेरी डिफिकल टू प्रोवाइड इंडिविजुल सिग्नल फॉर ईच लाइन एट द डायर्जेंट पॉइंट तो जब ब्रांच लाइन से नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है डाइवर्ज होती है तो उस केस में डायवर्जेंट पॉइंट पर एक इंडिविजअुल सिग्नल हर लाइन के लिए प्रोवाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है तो इन सच सिचुएशनस वेरियस सिग्नल्स फॉर मेन लाइन्स एंड ब्रांच लाइन्स आर फिक्सडन द सेम वर्टिकल पोस्ट तो उस केस में जो मेन लाइन्स आएगी और जो ब्रांच लाइन्स आएगी दोनों के लिए जो है सेम वर्टिकल पोस्ट पर हम सिग्नल्स फिक्स करते हैं दीज सिग्नल आर कल्ड रूटिंग सिग्नल्स उनको हम क्या कहते हैं रूटिंग सिग्नल्स कहते हैं यहाँ पे आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड डायग्राम है ब्रांच लाइन जो है मेन लाइन से डाइवर्ज हो रही है इस केस में जो हम सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे वो हम सेम तो वर्टिकल पोस्ट पे प्रोवाइड करेंगे फॉर बोथ द लाइन्स जनरली सिग्नल फॉर मेन लाइन इज कैप्ट हायर देन दो फॉर ब्रांच लाइन हम सिग्नल तो वर्टिकल पोस्ट पर प्रोवाइड कर देंगे अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि मेन लाइन का सिग्नल कौन सा है और ब्रांच लाइन का सिग्नल कौन सा है तो जो मेन लाइन का सिग्नल होता है वो हायर लेवल पे होता है और जो ब्रांच लाइन का सिग्नल होता है वो लोअर लेवल पे होता है सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रिपीटिंग सिग्नल्स के बारे में वैन द व्यू ऑफ मैन सिग्नल इज ऑबस्ट्रक्टेड ड्यू टू सम स्ट्रक्चर्स आर आन कर्ज एट्सट्रा सम सिग्नल आर यूज टू रिपीट द इफॉमेशन ऑफ द मैन सिग्नल सच सिग्नल्स आर नोन एज रिपीटिंग सिग्नल सिंपली रिपीटिंग सिग्नल्स को हम मैन सिग्नल की इन्फॉर्मेशन को रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं अब वो किसी भी अन नोन रीजन की वजह से जैसे किसी जगह ऑब्सट्रक्शन वगैरह आ गई या कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ गया जिसकी वजह से मैन सिग्नल जो है डिलीवर नहीं हुआ ड्राइवर तक तो हम क्या करते हैं मेन सिग्नल को रिपीट करते हैं तो डैट सिग्नल इज नॉन एज रिपीटिंग सिग्नल आप यहां पे देख सकते हो रिपीटिंग ऑन लिख रहा है जब येलो लाइट जो है दिखा रहा है और रिपीटिंग ऑफ दिखा रहा है जब ग्रीन लाइट जो होगी सिग्नल पे होगी सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉलिंग ऑन सिग्नल दिस सिग्नल्स आर सिमिलर टू सिमाफोर सिग्नल बट दे आर स्मॉलर इन साइज एंड आर फिक्स द सेम पोस्ट बिलो द मेन सिग्नल्स कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है मच सिमिलर टू सिमाफोर सिग्नल है सिर्फ डिफरेंस इनमें इतना है कि इनका साइज जो होता है वो स्मालर देन होता है सेमोफोर सिग्नल से एंड दे आर प्रोवाइडेड ऑन द सेम पोस्ट बिलो द मेन सिग्नल तो जिस पोस्ट पे हम मेन सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं उसी पोस्ट में हम कॉलिंग ऑन सिग्नल्स को भी प्रोवाइड करते हैं ए कॉलिंग ऑन सिग्नल परमिट्स अ ट्रेन टू प्रोसीड विद कोटेशन आफ्टर द ट्रेन हैज़ बीन ब्रॉड टू अ हॉल्ट बाई द मेन सिग्नल तो जब मेन सिग्नल की वजह से ट्रेन जो है हॉल्ट में आ गई उसके बाद जो है अब ट्रेन प्रोसीड करेगी वो किस सिग्नल की हेल्प से करेगी जब उसको कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जाएगा तो कॉलिंग ऑन सिग्नल की परमिशन के बाद जो है ट्रेन जो है हॉल्ट पोजिशन से आगे प्रोसीड करना स्टार्ट करेगी दीज आर हेल्पफुल वैन रिपेयर वर्कस आर गोइंग ऑन तो इन सिग्नल्स को जनरली तब यूज़ किया जाता है जब ट्रैक्स वगैरह पे कहीं रिपेयरमेंट वगैरह चल रही होगी तो उस केस में जो है कॉलिंग ऑन सिग्नल का सबसे ज्यादा यूज़ किया जाता है एज यू कैन क्लियरली सी हियर जो लेफ्ट साइड में डायग्राम्स दिखाई हुई है स्टॉप स्टॉप कैसे दिखा रहा है यहाँ पे जब इसमें रेड होगा तो प्रोसीड स्लो प्रोसीड तो करेगा लेकिन स्लोली करेगा जब रेड कलर भी होगा और नीचे येलो कलर भी शो होगा अब स्टॉप ये ओबियस सी बात है ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया सिमाफोर सिग्नल में जब बैंड जो होता था हर्जेंटल पोजिशन में होता था तो वो स्टॉप को रिप्रेजेंट करता था और जब एक बैंड जो है टॉप बैंड हर्जेंटल है और बॉटम बैंड जो है वो इंक्लाइंड है तो इस केस में ट्रेंड्स मूव तो कर सकती है बट स्लोली मूव कर सकती है सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे सिग्नलिंग सिस्टम्स के बारे में अब जो हम ये सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं रेलवे ट्रैक्स में इनको हम कितने सिस्टम से प्रोवाइड करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एबसोलूट ब्लॉक सिस्टम सेकंड वन इज़ स्पेस इंटरवल सिस्टम थर्ड इज़ टाइम इंटरवल सिस्टम एंड द फोर्थ वन इज़ पायलट गॉड सिस्टम तो वन बाय वन हम यहाँ पर सबको डिस्कस करते हैं फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एबसोलोट ब्लॉक सिस्टम दिस सिस्टम इन्वॉल्व डिवाइडिंग द इंटायर लेंथ ऑफ अ ट्रैक इंटू सेक्शन कॉल्ड ब्लॉक सेक्शन तो इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि जो इंटायर लेंथ होती है ट्रैक की उसको नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है ए ब्लॉक सेक्शन लाइज बिटवीन टू स्टेशन आर प्रोवाइडेड विद ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स तो अब ब्लॉक सिस्टम जो है ये किसके बीच में लाई करता है दो स्टेशन के बीच में लाई करता है जिसमें एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किया हुआ होगा द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एडजॉइनिंग स्टेशनस आर कनेक्टेड थ्रू रेलवे लाइन्स हैं जो भी एडजॉइनिंग स्टेशन के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एडजॉइनिंग रेलवेज के साथ कनेक्टेड होते हैं ए टोकन कैन बी टेकन फ्राम द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेशन विद द कंजेंट ऑफ बोथ द स्टेशन मास्टर्स अब जब ट्रेन जो है एक स्टेशन पर पहुंचेगी तो वहाँ से उसको टोकन दिया जाएगा क्योंकि जो ट्रैक है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है कोई इशू वगैरह तो नहीं है तो वहाँ से उसको टोकन दिया जाएगा तो टोकन जो है उसको तब दिया जा सकता है जब जो स्टेशन मास्टर होंगे दोनों की कंजेंटमेंट उसमें होनी चाहिए मतलब दोनों एग्री होने चाहिए कि ट्रैक क्लियर है या नहीं क्लियर है अगर कोई भी इशू होगा ट्रैक में तो उसकी वजह से उनको टोकन नहीं दिया जाएगा इन द एब्सिलूट ब्लॉक सिस्टम द डिपार्चर ऑफ अ ट्रेन फ्राम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन इज नॉट परमिटेड अनटिल एंड अनलेस द प्रीवियस ट्रेन हैज़ कम्पलीटली अराइव्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन तो ब्लॉक सिस्टम के केस में ही ट्रेन को तब तक स्टेशन लीव करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती है जब तक ना पहली ट्रेन जो है वो कम्प्लीटली नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच जाए दैट इज ट्रेन आर नॉट परमिटेड टू एंटर द सेक्शन बिटवीन टू एट द सेम टाइम सेम टाइम में ट्रेन को परमिट नहीं किया जाता है कि वो एक ब्लॉक सिस्टम में एंटर हो सो ईच स्टेशन हैज़ टू ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स तो हर स्टेशन में दो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वन फॉर द स्टेशन ई हैड एंड वन फॉर द प्रीवियस स्टेशन दीज आर इलेक्ट्रिकली इंटरकोनेक्टेड सो नेक्स्ट जो सिस्टम है सिग्नलिंग का वो हमारे पास है टाइम इंटरवल मैथड तो इन दिस सिस्टम ट्रेन आर स्पेस्ड ओवर एंड लेंथ ऑफ ट्रैक इन सच अवे डैट इफ द फर्स्ट ट्रेन स्टॉप्स द फॉलोइंग ट्रेन ड्राइवर शुड भी एबल टू स्टॉप द ट्रेन इन सफिशंट डिस्टेंस विदाउट क्लाइडिंग विद द फर्स्ट वन तो इस केस में ट्रेन को मतलब टाइम के हिसाब से जो है एक प्रॉपर वे से उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अगर ट्रेन चल रही है अगर वो किसी स्टेशन पर स्टॉप करेगी तो पिछले वाले ड्राइवर को एक सिग्नल दिया जाता है सो डैट कि वो ट्रेन को जो है प्रॉपर डिस्टेंस पर स्टॉप करे टू अवॉइड द कलिजन बिटवीन द टू ट्रेन दिस टाइप इज़ यूज वेट ट्रैफिक इज लेस एंड वेट ऑफ द ट्रेन आर लेस फॉर एग्जाम्पल ट्रेन इस मैथड को जनरली उस ट्रैक पे प्रेफर किया जाता है जहाँ पे ट्रैफिक ऑफ ट्रेन जो होगा बहुत कम होगा या फिर जहाँ पे ट्रेन का वेट जो होगा बहुत कम होगा फॉर एग्जाम्पल ट्रेनस के केस में दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी यूज इन पैसेंजर रेल्स सिंस वेट एंड ट्रैफिक इज हाई तो इसको हम पैसेंजर रेल्स के केस में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जो वेट ऑफ ट्रेन होता है वो भी हाई होता है और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है सो थर्ड सिस्टम हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्पेस इंटरवल मैथड इन दिस मैथड ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम कंट्रोल आवर मोमेंट लेंथ ऑफ द ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस कॉल्ड ब्लॉक्स इस केस में भी ट्रैक्स को नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है जिनको हम ब्लॉक्स कह दें द एंट्री ऑफ अ ट्रेन इन टू द ब्लॉक इज कंट्रोल्ड इन सच अवे डैट ओनली वेन इट इज़ फ्री अ ट्रेन कैन बी अलाउ टू एंटर इट के इसमें ट्रेन को ब्लॉक्स में एंटर होने की परमिशन तब मिलती है जब ब्लॉक फ्री होगा अगर ब्लॉक में कोई भी ट्रेन मूव कर रही है या ब्लॉक में कोई ट्रेन जो है रुकी हुई है तो पिछली ट्रेन को वहां पे एंटर होने की परमिशन नहीं होगी दिस मीन्स डट बिटवीन टू कंजिव ट्रेन देर इज डेफिनेट स्पेस इंटरवल। तो इससे क्या होता है कि दोनों ट्रेन के बीच में एक सब्सटेंट स्पेस इंटरवल आ जाती है सो so नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम दिस सिस्टम इज़ स्टिल यूज इन केस ऑफ एमरजेंसीज दट इज वन द टेलीग्राफ एंड टेलीफोन सिस्टम आर नाट इन वर्किंग आर्डर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्जामेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम को हम तब यूज़ करते हैं एक्चुअली ये एंजेंट मेथड है लेकिन इसको हम अमरजेंसी के केस में यूज़ करते हैं जब टेलीग्राफ टेलीफोन वगैरह जो है वर्क नहीं करेंगे तो उस केस में हम फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं ट्रेन को सिग्नलिंग प्रोवाइड करने के लिए इन दिस सिस्टम ऑफ फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम इज मेटेन बिटवीन द डिपार्चर ऑफ वन ट्रेन एंड द डिपार्चर ऑफ़ नेक्स्ट ट्रेन अलॉन्ग दी सेम लाइन तो अगर दो ट्रेन जो है सेम लाइन भी मूव कर रही है तो एक टाइम इंटरवल जो है फिक्स रखा जाता है डिपार्चर ऑफ़ वन ट्रेन और डिपार्चर ऑफ नेक्स्ट ट्रेन के बीच में द फिक्स टाइम इंटरवल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस डेट सफिशिएंट डिस्टेंस मस्ट बी मेंटेन बिटवीन टेल ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एंड द हेड ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग ट्रेन तो इसमें टाइम को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि सफिशिएंट डिस्टेंस होगा टेल ऑफ़ फर्स्ट ट्रेन और हेड ऑफ नेक्स्ट ट्रेन अब दो ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे मूव करेंगी तो दोनों के बीच में एक सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए तो एवरी ट्रेन इज डिस्पैच्ड ओनली व्हेन द टेलीग्राफ मैसेज इज रिसीव्ड फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेशन डट द लाइन बिटवीन दोज टू स्टेशन इज क्लियर एंड द ट्रेन ऑलरेडी रिसीव्ड हैज़ बीन अलाउड टू लीव फॉर द नेक्स्ट स्टेशन सो लेट करो हमारे पास दो स्टेशंस हैं ए और बी अब स्टेशन ए से दो ट्रेन ने मूव करना है पहले जो है फर्स्ट ट्रेन जो है स्टेशन ए को लीव करेगी और उसके बाद जो है वो स्टेशन बी पर पहुंचेगी तो जब वो स्टेशन बी को भी लीव कर देगी तब हम नेक्स्ट ट्रेन को अलो करेंगे वो स्टेशन ए को लीव करें सो so डैट की सफिशेंट डिस्टेंस आ जाए दोनों ट्रेन के बीच में टू अवॉइड द कोलिजन बिटवीन द ट्रेन इन फैक्ट देर इज नो मीन्स टू नो वेदर द ट्रेन हैज रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन आर नॉट सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम इन दिस सिस्टम नॉट ओनली द होल ट्रैक इज इलेक्ट्रिकली सर्क्यूटेड बट व्हील ब्रेक्स ऑफ लोकोमोटिव आर ऑल्सो प्रोवाइड विद इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स तो इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि होल ट्रैक को इलेक्ट्रिकली सर्क्यूट किया जाता है नॉट ओनली द होल ट्रैक बट जो व्हील ब्रेक्स होंगी लोकोमोटिव की उनको भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स प्रोवाइड की जाती है इफ द सिग्नल इज क्लियर दैन ब्रेक्स विल नॉट फंक्शन ऑटोमेटिकली अगर सिग्नल क्लियर है मतलब ट्रैक क्लियर है कोई भी इशू नहीं है तो ब्रेक्स जो है ऑटोमेटिकली उसमें वर्क नहीं करेंगी तो अगर सिग्नल क्लियर नहीं होगा तो ब्रेक्स जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और ट्रेन जो है खुद ब खुद रुक जाएगी तो ये मॉडिफाइड वर्जन है ओवर द एबो इस सिस्टम दिस सिस्टम इज ब्रेफली नॉन एज एटीसी सिस्टम एंड इज़ बीइंग प्रेक्टिसज इन अमेरिका जापान एंड स्विजरलैंड तो इस सिस्टम को हम ए सिस्टम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको जनरली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है अमेरिका है जापान स्विजरलैंड एट्सट्रा दिस सिस्टम हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द इंडियन रेलवेज इंडियन रेलवेज में भी इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है स्पेशली अगर हम देखेंगे सेंट्रल रेलवे स्टेशन दहली आगरा सेक्शन में ईस्टर्न रेलवे स्टेशन अगर हम देखेंगे मुगल सराई गया, गया सेक्शन में आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ए सिस्टम तो लास्ट लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम इंडियन रेलवे की बात करेंगे तो किन स्टेशन पर ए सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू पार्ट्स अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं वन पार्ट इज इंस्टॉल्ड इन द ट्रैक इट इज यूज टू अप्लाई द ब्रेक

विच कंटिन्यूज टू साउंड द बेल तो जो दूसरा पार्ट है इस सिस्टम का वो ड्राइवर के कैबिन में प्रोवाइड किया जाता है और उसका फंक्शन ये है कि अगर कोई डेंजर वगैरह होगा तो ड्राइवर के कैबिन में जो है रेड लाइट जो है कंटिन्यूसली लिट करेगी और वो वार्निंग देगी ड्राइवर को कि ट्रैक में कोई इशू है तो वहाँ से जो है वो ट्रेन को स्टॉप करेगा नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे पायलट गॉर्ड सिस्टम दिस सिस्टम इज यूज ऑनली ऑन स्पेसिफिक ओकेजन सर्चेज इन केस ऑफ फेलेरा ब्लॉक टेलीफोन एंड टेलीग्राफ सिस्टम ऑन स्ट्रेट लाइन इन केस आप डबल लाइन ट्रैक वन वन ट्रैक गोज आउट ऑफ ऑर्डर तो पायलट गॉड सिस्टम को हम तब यूज करते हैं जब ब्लॉक टेलीफोन जो है वर्क करना बंद कर देगा उसमें कोई फेलियर इशू वगैरह आ जाएगा या टेलीग्राफ सिस्टम जो है वो भी वर्क करना बंद कर देगा या तो हम इस सिस्टम को डबल लाइन ट्रैक के केस में यूज करते हैं जब एक ट्रैक जो है आउट ऑफ ऑर्डर चली जाए मतलब उसकी अलाइनमेंट वगैरह जो है खराब हो जाए इन दिस सिस्टम अ पायलट गॉड गोज विद वन ट्रेन टू द नेक्स्ट स्टेशन एंड देन ही रिटर्न बाई द रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन तो इसमें क्या किया जाता है गार्ड जो है स्टेशन टू स्टेशन मूव करता है ट्रेन को गाइड करने के लिए पहले जो है वो एक ट्रेन से दूसरे स्टेशन पे जाएगा फिर जो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी फिर उसे रिटर्न होकर पिछले स्टेशन पे आ जाएगा इन दिस वे नो अदर ट्रेन इज अलाउड टू मूव फ्रॉम द स्टेशन टिल द पायलट गार्ड रिटर्न विद द ट्रेन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन जिस स्टेशन से पायलट गार्ड जो है ट्रेन के साथ गया था तब तक जो है वहां से ट्रेन को अलो नहीं किया जाता है जब तक ना पायलट गार्ड वापस आ जाए उस स्टेशन पे पायलट गार्ड देन अगेन प्रोसीड्स विद द ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन एंड प्रोसेस इज रिपीटेड इस प्रोसेस को पायलट गार्ड जो है कंटिन्यूसली परफॉर्म करता जाता है दस नो ट्रेन शेल अ स्टेशन एक्सेप्ट अंडर द पर्सनल अथॉरिटी ऑफ द पायलट गार्ड तो जब तक ना पायलट गार्ड जो है उसी स्टेशन पे आएगा जहां से उसने लीव किया था तब तक वहाँ से ट्रेन को लीव नहीं किया जाता है सो so नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ये सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस सिस्टम इज ब्रीफली नोन एज सी सिस्टम तो इसको हम सी सिस्टम कहते हैं अभी हमने ऊपर एक सिस्टम डिस्कस किया ए सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं सी टी सी सिस्टम मीनस सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एंड इट वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन यू एस ए आना सिक्सटी फोर पॉइंट थ्री सेवन किलोमीटर रूट फ्रॉम स्टैनली टू ब्रिविक तो इस सिस्टम को सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में परफॉर्म किया गया था और जो ट्रैक की लेंथ थी जहां पे इसको परफॉर्म किया गया था इट वाज़ 64.37 किलोमीटर फ्रॉम स्टैंडली टू ब्रिविक वही इन जुलाई 1927 में इन दिस सिस्टम अ सेंट्रल कंट्रोल रूम इज प्रोवाइडेड फ्रॉम विच द पॉइंट्स एंड सिग्नल्स आर ऑपरेटेड तो इस सिस्टम में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम प्रोवाइड किया जाता है जहाँ से सिग्नल्स को और पॉइंट्स को ऑपरेट किया जाता है एक्सीडेंट्स कैन भी इजली कंट्रोल्ड बाई दिस सिस्टम बट इट्स वेरी कॉस्टली एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम तो इस सिस्टम से अगर हम देखेंगे एक्सीडेंट को काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन इसकी जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है और इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है वो काफी हाई है एज कम्पयेयर टू अगर हम देखेंगे अदर सिस्टम्स सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबोड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सिग्नलिंग सिस्टम जिसमें हमने जो दो टाइप्स बच गई थी वो हमने इसमें डिस्कस की आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें क्लियर करवा दी होंगी अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट okay. है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी सो so, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी